हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार सैनी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष मैच पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम जो लास्ट वीडियो जो अपना चल रहा है, सीरीज चल रही है, वो चल रही है नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की। और संख्या पद्धति के हमने 3 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। उनमें हमने नेचुरल नंबर, जो वोल नंबर, इंटीजर और अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सारी बात कर ली हैं। जो लास्ट वीडियो था वो पूरा वीडियो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं पर था, आपने देख लिया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो आज बात करेंगे फ्रेंड्स, वो बात करेंगे वास्तविक संख्याएं अवास्तविक संख्याओं की, और इसके बाद में जो तत्समक होता है वो बात करेंगे, और उसके बाद में जो जातीय मान और जो स्थानीय मान होते हैं उनकी बात करेंगे। तो देखिए, हम अपन शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन लेते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक जो संख्या है, उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जो परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं, जो लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, दोनों जो प्रकार की संख्याएं हैं उनका मिला के जो समुच्चय बनता है वो किसका बनता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनता है। और वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी सभी संख्याएं, मैं सीधा लिख देता हूं, ऐसी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी जिनको संख्या रेखा पर क्या किया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके। वे सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके वो क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। और जो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है उसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों क्या होती हैं? शामिल होती हैं। जब वास्तविक संख्याओं का अपन एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा देखना, वास्तविक जो संख्या है उनका एग्जाम्पल मैं ले लूं, यहां आएगा 0 आएगा, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है, 1 आ सकता है, 22/7 आ सकता है, 5/2 आ सकता है, पाई भी आएगा इसमें। ये सभी जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। आपको बता है कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जो अपने पढ़ी थी वो दोनों का जो समुच्चय है वो क्या होगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। इसमें क्या है, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं शामिल की जाती हैं। इसमें एक फैक्टर बनता है कि दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनगिनत वास्तविक संख्याएं होती हैं। अपने पढ़ा भी था, कल भी पढ़ा था कि यदि दो परिमेय संख्याएं हो तो उन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य अनगिनत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। तो यहां भी क्या होगी, दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनगिनत वास्तविक संख्याएं विद्यमान होती हैं, अनगिनत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती है, क्योंकि दोनों का समुच्चय मिलकर क्या बनाता है? वास्तविक संख्याएं बनाता है। आई बात समझ में? इसके बाद में अपन लेते हैं अवास्तविक संख्याएं, इन्हें बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। इसमें क्या आएगा, यदि किसी संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या है, यदि किसी संख्या का वर्ग, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ले लूं, पहले तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं अवास्तविक संख्याएं क्या हो सकती हैं, जो वास्तविक पड़ी थी उसकी उल्टी, कि वे सभी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाएंगी जिनको अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सके। और दूसरा ये होता है कि वे सभी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाएंगी जिनका वर्ग क्या हो, एक ऋणात्मक संख्या हो। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ले लूं, -1 लूं, इसका वर्ग करूं तो क्या आएगा? -1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल -4 लूं अंडर रूट में, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? -4 आएगा। तो यहां पर कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे,
जिनका वर्ग क्या हो, एक ऋणात्मक संख्या हो। इसमें अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे माइनस का एक का अंडर रूट आ गया, दो अंडर रूट आ गया, माइनस का चार अंडर रूट आ गया, ठीक है। इसको अपन क्या लिखते हैं, अंडर रूट माइनस एक को ले क्या लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं। आई बात समझ में, जो अवास्तविक संख्या है उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। और क्या होते हैं, वे सभी संख्या अवास्तविक संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग क्या हो, एक ऋणात्मक संख्या हो। और यहां पे अंडर रूट माइनस एक को आयोटा से, इसको बोलते हैं आयोटा, आयोटा, ठीक है। किसे प्रदर्शित करते हैं, आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, सम्मिश्र संख्याओं की, सम्मिश्र संख्याएं। और सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। यदि अपन वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याओं को मिला दें, यदि हम वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याओं को मिला दें तो जो बनेगा वो क्या बनेगी, सम्मिश्र संख्याएं बनेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लू, जैसे ये क्या है, वास्तविक संख्या है, इसमें मैं अवास्तविक संख्या मिला देता हूं माइनस का चार। इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, दो प्लस आयोटा अंडर रूट कितना, चार लिख सकता हूं। तो यहां पे जो वास्तविक संख्याएं हैं और अवास्तविक संख्याएं हैं उनका जो समुच्चय है वो क्या होगा, सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्याएं प्लस अवास्तविक संख्या, आई बात समझ में। तो सम्मिश्र संख्याएं हैं वो क्या होंगी, वास्तविक और यदि अवास्तविक संख्याओं को मिला दिया जाए तो क्या बनती है, सम्मिश्र संख्याएं बनती हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपना जो नंबर सिस्टम था उनमें अपन ने सभी संख्याओं की बात कर ली, बेसिक से बात कर ली। मैं एक काम करता हूं, आपके सामने एक चार्ट बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, जिससे अभी तक अपने जो भी पढ़ा था कौन सी संख्या किसमें आएंगी वो सभी क्या हो जाए, आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो एक चार्ट बनाते हैं, देखिए मैं यहां पे संख्या लिखता हूं, यहां यदि मैं लिख दूं संख्याएं, अब मैं संख्याओं को तीन भागों में, यहां लिखता हूं संख्याएं और संख्याएं जो है उनको तीन भागों में बांटता हूं, मैं संख्याओं को तीन भागों में बांटता हूं। पहला जो भाग है वो बोलता हूं मैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, संख्याएं हैं अपने जो नंबर है उनको मैं तीन भागों में बांटता हूं। पहला वास्तविक संख्या है रियल नंबर, दूसरा अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, तीन में बांट दिया। मैं इनके एग्जाम्पल लिख देता हूं। वास्तविक जो संख्याएं होती हैं उनमें क्या आता है, जैसे 22 बटा 7 आ गया, 3.14 आ गया, पाई आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, माइनस 2 आ गया, माइनस 3 आ गया। जो अवास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें क्या आ जाए, जैसे माइनस का 2 का अंडर रूट आ जाए, माइनस 4 का अंडर रूट आ जाए, माइनस 1 का अंडर रूट आ जाए, ठीक है। और सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, अपन ने बात की थी 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 4, या फिर अपन बात करें आयोटा अंडर रूट 5, ये सभी क्या होंगी, सम्मिश्र संख्याएं होंगी। अब अपन ने सम्मिश्र संख्याएं पढ़ ली थी लास्ट में, अवास्तविक संख्याएं पढ़ ली थी, वास्तविक संख्याएं पढ़ ली थी। अपने वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांट देता हूं मैं, देखना वास्तविक संख्याओं को मैं दो भागों में बांटता हूं। एक तो कौन सी, अपन ने ये पढ़ी वास्तविक संख्याओं की परिभाषा पढ़ी कि वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिनको क्या संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनती है, वास्तविक संख्याएं बनती है। तो मैं यहां क्या लिख दूं, परिमेय संख्या, यहां अपन बांट ले परिमेय संख्या और दूसरा क्या बांट ले, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब लास्ट जो वीडियो था अपना, पार्ट जो 3 था, उसमें अपन ने पूरा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो यहां मैं फॉर एग्जाम्पल परिमेय संख्याओं का लिख देता हूं 4/5, 3.14 परिमेय संख्या होती है, यहां पे होता है 5/2 परिमेय संख्या होती है, 0 परिमेय संख्या होती है,
माइनस का दो परिमेय संख्या होती है, माइनस की तीन परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? मैं अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन अपने लिखी थी कि भाई जो अपरिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, सॉरी हाँ, परिमेय जो परिमेय नहीं हो, कहने का मतलब इसमें कौन कौन सी संख्या शामिल करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, इसमें जो अशांत, और देखो इसमें अशांत लेकिन आवृत्ति हो, इसमें जो परिमेय संख्याओं में अपन ने पढ़ा था कि जो अशांत संख्या है लेकिन आवृत्ति हो, इसमें कौन से अशांत लेकिन अनावृत्ति, अनावृत्ति दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं जो हैं वो इसमें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट क्या ले लू, मैं तीन ले लू, माइनस का अंडर रूट दो ले लू, पाई ले लू, ये सभी क्या आएगी, किसमें आएगी, अपरिमेय संख्याओं में आएगी। ठीक है, यहां अपन परिमेय संख्याओं को अपन दो भागों में बांट दें, परिमेय संख्याओं को मैं दो भागों में बांट देता हूं, एक तो है दशमलव संख्याएं, एक तो है दशमलव संख्याएं डेसिमल नंबर, और दूसरा है पूर्णांक इंट्रीजर जो पढ़े थे अपन ने, उसको क्या, एक तो दशमलव संख्याएं हो गई, एक क्या हो गई, पूर्णांक हो गई। फॉर एग्जाम्पल जो दशमलव संख्याएं हैं उसमें कौन सी आ जाएगी, 3.14, यहां पे बात करें अपन 4/5 है जो वो आएगी, इसमें क्या आ जाएगी, दशमलव संख्याएं, और दशमलव संख्याओं में कौन सी, दशमलव संख्याओं में जो अशांत लेकिन क्या हो, आवृत्ति हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 3.333 डैश चलता रहेगा, और जो 22/7 आएगी वो भी किसमें आएगी, दशमलव संख्याओं में आएगी। लेकिन जो पूर्णांक है, पूर्णांक कौन कौन से होंगे, माइनस इंफिनिटी से क्या आएगा, यहां -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहां तक चले। अब मैं क्या करूं, जो पूर्णांक है उसको कितने भागों में विभाजित कर दूं, तीन भागों में विभाजित कर दूं, जो मेरे पास पूर्णांक है उसको तीन भागों में विभाजित कर देता हूं। पहला क्या है, पहला है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होंगे, माइनस इंफिनिटी से -2 -1 तक, आई बात समझ में, इनका समुच्चय यह होगा। दूसरा मैं बात करता हूं शून्य की, जीरो की, ठीक है, और तीसरा दिख रहा, तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक में समुच्चय बनेगा प्लस इंफिनिटिव से +2 +1 तक, आई बात समझ में, यहां तक बात करें। अब सुनना, अब और सुनना, यहां पे मैं बात करूं ऋणात्मक और शून्य को मिला दू, यहां मैं ऋणात्मक और शून्य को मिला दू तो आपको पता है क्या बनेंगे, अधनात्मक पूर्णांक बनेगी, या फिर मैं बोल सकता हूं अधनात्मक जो पूर्णांक है वो बन जाएंगे। यहां पर नेगेटिव इंट्रीजर जो ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य को बना दू तो यहां क्या बन जाएगा, अधनात्मक, अधनात्मक पूर्णांक बनेंगे, आई बात समझ में। और यदि मैं जीरो और धनात्मक पूर्णांक को मिला दूं, जीरो और धनात्मक पूर्णांक को मिला दूं तो क्या बनेगी, पूर्ण संख्याएं बन जाएगी, क्योंकि ये तो है 1, 2 और यहां अनंत तक चलेगी प्लस में, तो क्या होती है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं होती हैं, उसमें यदि मैं जीरो शामिल कर दूं तो यहां कौन बनता है, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं बन जाएगी, या फिर मैं बोल सकता हूं अऋणात्मक पूर्णांक। आपको समझ में आया होगा कौन कौन से में क्या क्या रखते हैं, यहां दोबारा सुन लीजिएगा एक बार, मैं यहां रिपीट कर देता हूं, जो संख्याएं हैं अपन नंबर्स हैं उनको तीन भागों में बांटे, कितने भागों में, तीन भागों में बांटे, और तीन भाग कौन से हैं, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। यहां वास्तविक संख्या को मैं देखता हूं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में, परिमेय संख्या जो है वो इसके एग्जाम्पल ये होंगे, अपरिमेय संख्याओं में अशांत लेकिन क्या होगी, अनावृत्ति दशमलव संख्याएं होंगी। जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं में दशमलव संख्याएं अपने अलग कर ली, और जो पूर्णांक है वो अलग कर ली, फिर जो पूर्णांक है उसके तीन भाग किए, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक, एक शून्य आ गया, और एक क्या आ गया, धनात्मक पूर्णांक। जब ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य को मिला दें, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य को मिला दें तो क्या बन जाता है, अधनात्मक पूर्णांक, क्या बन जाता है, अधनात्मक पूर्णांक। और शून्य और धनात्मक को, शून्य और
धनात्मक को मिला दें तो या तो पूर्ण संख्या बन जाती है, या पूर्ण संख्या को क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अऋणात्मक पूर्णांक, क्या बोल सकते हैं, अऋणात्मक पूर्णांक। अब यहां अपन कर सकते हैं एक, इसमें अपन एक काम और कर सकते हैं, जो दशमलव संख्याएं हैं उसके भी दो भाग कर सकते हैं, यदि चाहें तो दशमलव संख्याओं के दो भाग कर सकते हैं। कौन कौन से, एक तो क्या शांत संख्याएं और दूसरी क्या हो जाएगी, यहां एक तो शांत संख्याएं हैं और दूसरी हो जाएगी अशांत लेकिन क्या आवृत्ति, अशांत लेकिन क्या आवृत्ति। और आप एक यदि एक समुच्चय में रखना चाहो तो रख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये चार्ट समझ में आ गया तो पूरा जो नंबर सिस्टम है, जो संख्याएं अपन ने पढ़ी हैं, वो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखो ठीक है। आगे मैं बात करूं, इसके आगे मैं बात करूं तो एक शब्द सुना होगा आपने तत्समक, क्या तत्समक, क्या सुना होगा तत्समक, मार्क कर दे, हाँ तत्समक। अब तत्समक क्या होता है, एक तो होता है योज्य तत्समक, पहला जो होता है योज्य तत्समक, या फिर इसको बोल सकते हैं जोड़ का तत्समक, और दूसरा होता है गुणन तत्समक, या फिर मैं बोल सकता हूं गुणा का तत्समक। आई बात समझ, अब होते क्या है तत्सम, जोड़ तत्समक या योज्य तत्समक सुन लेना, वे संख्या या वह संख्या जिसको यदि किसी संख्या में जोड़ा जाए, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे यहां पे मैंने ए ले लिया, ए के साथ मैं क्या जोड़ू कि क्या आ जाए, ए आ जाए, ए कोई ना कोई क्या है नंबर है, उस नंबर को क्या करूं मैं, यहां कोई ना कोई संख्या लूंगा या तत्समक लूंगा, उसको जोड़ने पर ए में क्या आ जाए, ए आ जाए। इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे एक ही प्रकार का नंबर होता है और क्या होता है, वो जीरो होता है। तो यहां अपने को समझने की ये बात है कि योज्य तत्समक पूछ ले या जोड़ का तत्समक पूछ ले, क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और गुणन तत्समक क्या होता है, जैसे मैं ले लूं ए, क्या ले लूं ए, तो इसके साथ में क्या गुणा करूं कि क्या आ जाए, ए आ जाए, मतलब जो संख्या है उसका मान परिवर्तित नहीं हो। तो गुणा में एक ही संख्या होती है जिससे किसी संख्या का मान नहीं बदलता गुणा करने पर, तो क्या होता है, एक होता है। तो जो गुणन तत्समक होता है वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, और जो योज्य या योग जोड़ का तत्समक है वो तो जीरो हो जाएगा, और गुणन तत्समक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। आगे आपने एक वर्ड और सुना होगा प्रतीत या प्रतिलोम, प्रतीत या प्रतिलोम, प्रतीत बोल दूं या प्रतिलोम, क्या होता है, जैसे मैं जोड़ का प्रतिलोम, जोड़ का प्रतीत, और एक होता है गुणा का प्रतीत, ठीक है। जोड़ का प्रतीत क्या होता है और गुणा का प्रतीत क्या होता है, प्रतीत बोल दो या प्रतिलोम अवयव बोल दो, ठीक है। जैसे जोड़ का प्रतीत मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए ले लूं, ठीक है, यहां पे मैं क्या जोड़ू कि क्या जाए, तत्समक आ जाए, तत्समक किसका, जोड़ का तत्समक आ जाए। और लास्ट में पढ़ा कि जो जोड़ का तत्समक होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, जोड़ का जो तत्समक होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां इसका क्या नेगेटिव रूप लिख देंगे, कहने का मतलब यहां लिखूंगा माइनस ए, ए का प्रतीत कहलाता है, या फिर बोल देता हूं प्रतिलोम अव्यव, ठीक है। ए माइनस ए का माइनस, सॉरी, जो माइनस ए है वो ए का क्या होता है, प्रतिलोम होता है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जो ए है उस किसका प्रतिलोम है, माइनस ए का, आपस में दोनों क्या है, प्रतिलोम है, क्योंकि मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं माइनस ए प्लस कितना ए, ठीक है। यहां गुणा का प्रतीक की बात करें तो यहां पर जैसे मैं लेता हूं ए बराबर क्या आना चाहिए, गुणा का तत्समक आना चाहिए, क्या आना चाहिए, गुणा का तत्समक क्या होता है और एक होता है, इसका मतलब मैं यहां क्या कर दूं, एक बटा ए, और यहां एक बटा ए है तो इसका क्या कर दूं, ए कर दूं, कहने का मतलब ए एक बटा, सॉरी, ए है वो एक बटा ए का क्या है, गुणन प्रतिलोम है, गुणन प्रतिलोम अवयव है, या फिर मैं कह सकता हूं एक बटा
ए है वो ए का क्या है, गुणन प्रतिलोम है, दोनों आपस में विपरीत। ठीक है, आगे एक और आता है, क्या है सुनना इधर। एक तो होता है जातीय मान, एक तो क्या होते हैं जातीय मान, और एक क्या होते हैं स्थानीय मान। जातीय मान वह क्या होते हैं स्थानीय मान। एक तो फेस वैल्यू होती है, एक प्लेस वैल्यू बोलते हैं, या प्लेस वैल्यू या फिर अपन लोकल जो वैल्यू होती है वो बोल सकते हैं। देखिए जातीय मान क्या होता है, पहला मैं बात करता हूं जातीय मान की। जातीय मान, जातीय मान किसी संख्या का जातीय मान या किसी जो संख्या दे रखी है उसमें अवयव का जातीय मान क्या होता है, स्वयं का मान होता है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझोगे, जैसे कोई भी संख्या दे रखी है उसमें किसी जो अंक है डिजिट है उसका जातीय जो मान होता है वो स्वयं ही होता है, स्वयं जितनी वैल्यू है वही होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 5 7 9 8, इसमें मैं बात करूं 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान, और 8 का जातीय मान क्या होता है 8 होता है। 9 का जातीय मान कितना होता है 9 होता है। 7 का जातीय मान कितना होता है 7 होता है। 5 का जातीय मान 5 होता है। 3 का जातीय मान 3 होता है। और 2 का जातीय मान कितना होता है 2 होता है। 1 का जो जातीय मान होता है वो कितना होता है 1 होता है। आई बात समझ में। कहने का मतलब किसी संख्या दे रखी है, कोई भी नंबर्स दे रखे हैं, उसके डिजिट का जो जातीय मान होगा वो क्या होगा, स्वयं खुद की वैल्यू होगी, जितनी डिजिट की खुद की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी जातीय मान हो जाएगी, क्या होगी जातीय मान होगी। दूसरी में बात कर लूं स्थानीय मान की, और स्थानीय मान क्या होते हैं, स्थानीय मान फॉर एग्जाम्पल मैं यही ले लूं 1 2 3 5 7 9 8, ये क्या है एक संख्या है, उसमें 8 का स्थानीय मान पूछा है, 8 का स्थानीय मान पूछा है। 8 का स्थानीय मान कितना होता है 8 होता है। ठीक है, लेकिन 9 का जो स्थानीय मान है वो कितना है 90 है, क्योंकि यहां कितने डिजिट छोड़ के है 1। यदि मैं 7 का स्थानीय मान निकालूं तो 700 आ जाएगा। यहां मैं बात करूं 5 का स्थानीय मान तो कितना 5 1 2 3, ठीक है। यहां कितना 3 का जो स्थानीय मान है वो कितना है 3 और 1 2 3, और कितने 4, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक है, यहां एक बात समझने की बात है कि जो जातीय मान है और स्थानीय मान है, जातीय मान है और क्या है स्थानीय मान है, उनमें जो इकाई अंक है इसमें भी जातीय मान क्या आएगा, या जैसे ये नंबर दे दे इसमें भी जातीय मान 8 आएगा, और इसी संख्या का स्थानीय मान भी कितना आएगा 8 आएगा। दूसरा एक और बनता है, जैसे मैं नंबर लेता हूं 1 5 7 2 3 और 5 0, ये मान लो 1 5 7 2 5 0 है, इसका यदि मैं 0 का स्थानीय मान पूछूं, 0 का स्थानीय मान 0 होता है, और 0 का जातीय मान भी कितना होता है 0 होता है। लेकिन आप समझोगे ये तो इकाई अंक था तो समान ही रहेगा, लेकिन मैं बात करूं सुनना, इस 0 को यहां पे मैं 5 कर देता हूं, 0 8 3 और 4 कर देता हूं, यहां सुनना, यहां इस 0 का स्थानीय मान कितना होता है 0 होगा, और यहां 0 है उसका भी जातीय मान भी कितना होगा 0 होगा। कहने का मतलब मैं समझाने की बात यह है और समझा ये रहा हूं कि चाहे कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर दे रखा हो, उस नंबर में जो 0 है वो कहीं पे भी आ जाए, 0 कहीं पे भी आ जाए, उस 0 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है समान होता है, और कितना होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है 0 होता है। लेकिन यदि 0 की जगह 1 आ जाता तो इसका जातीय मान तो हो जाता 1, जातीय मान तो कितना हो जाता 1 हो जाता, लेकिन जो स्थानीय मान हो वो कितना हो जाता 1000 हो जाता, कितना हो जाता 1000 हो जाता। तो एकमात्र 0 या शून्य एक ऐसी संख्या है जो कहीं पे भी आ जाए उसका जातीय मान और स्थानीय मान है, उसमें कोई परिवर्तित या परिवर्तन नहीं आता। आ गई होगी बात समझ में, जो जातीय मान है और स्थानीय मान है उनके एक दो क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या है। और मैं क्वेश्चन लेता हूं, पहला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, देखना क्वेश्चन में पहला लिखता हूं, कोई भी नंबर ले लेते हैं 9 8 3 5 7 में 5 के
स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। देखिए जो आ गया 98,357 में 5 के स्थानीय मान व जातीय मान का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अपने को पता है स्थानीय मान क्या होगा, 5 का 50, क्या हो जाएगा 50, और जातीय मान कितना हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। दोनों का क्या निकालना, अंतर निकालना है, तो 50 में से माइनस 5 कर देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यदि इसका योग पूछ ले, यदि योग पूछ ले तो 50 प्लस 5 बराबर कितना कर देंगे, 55 आ जाएगा। आई बात समझ में। जैसे क्वेश्चन दूसरा है, और क्वेश्चन दूसरा क्या है, जैसे आ जाए 7 8 3 5 7 2 4 में 7 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करो। अब इसमें 7 है वो 2 आगे, 7 है वो कितने आगे, 2 आगे, और जो दोनों है यहां दे रखा है मैं 7 के स्थानीय मानों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो 7 के स्थानीय मान 7 का तो एक तो होगा 1, फिर है 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे। आई बात समझ में। दूसरा है उसके कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, तो जोड़ेंगे तो 1 यहां 3 और कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा। यदि इसका अंतर पूछे आपको, क्या पूछे, अंतर पूछे, तो इसका क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। आई बात समझ में। तो आपको जो हमने आज किया है वो समझ में आया होगा, और यदि समझ जो वीडियो है उसको लाइक जरूर कीजिएगा, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है या किसी लाइन में जो अपन ने पढ़ा है उसमें दिक्कत है, प्रॉब्लम है, या आपका डाउट है कोई भी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा फ्रेंड्स वो आएगा डेसिमल नंबर्स का, दशमलव जो संख्याएं हैं उनका एक मस्त जबरदस्त वीडियो आएगा, जरूर देखना, क्योंकि उसमें जो शांत संख्याएं कब होती है, अशांत संख्याएं कब होती हैं, शांत संख्याएं हैं उनका जो, उनका तो अपन जोड़ कर सकते हैं, लेकिन जो अशांत है लेकिन आवर्ती वाली जो संख्या है उनका योग कैसे करें, गुणन कैसे करें, भाग कैसे करें, ये सभी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, देखना जरूर दोस्तों। तो आप जो अपने पढ़ा है आज, हमने जो पढ़ा है वो समझ में आया होगा, समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक्स।